हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैसेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, वापस से बात करते हैं हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल आईपीओ की। मैंने कल भी आपको बताया था कि 50% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम की उम्मीद हम रख सकते हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% से भी ज़्यादा का चांस है, 80% तक के आसपास की उम्मीद बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि अप्लाई जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जितने दिन हमें अप्लाई करने के लिए दिए जाते हैं उसमें लाजमी हमें अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और कल मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कल के फैक्ट एंड फिगर्स मेरे सामने आए एप्लीकेशन लगाने के हिसाब से इस आईपीओ में, कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कोटा होता है उसमें जितना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए था या जितने की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, उससे कम ही हुआ। एचएनआई कोटे में बल्कि ज़्यादा और सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, वो कोटा 15% का है और रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% का है। लेकिन इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, मुझे लग रहा है कि आने वाले कल की तारीख 16 सितंबर जो है उसमें बढ़ेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी अब स्मार्ट हो गए हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दबाजी में अप्लाई कर दिया करते थे, और बाद में जब जितने बाकी के दिन होते थे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो उनको पता चलता था बाद में कि भाई इसमें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो रहा है, जितना हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलना चाहिए था, जितने की हमें उम्मीद थी, हमने जिस हिसाब से उसमें अप्लाई किया था वो नहीं मिल रहा है। फिर वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते थे कि काश हम भी एक दो दिन रुक करके या लास्ट डे पे अप्लाई करते तो सही रहता, बेहतर रहता। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ मुझे देखने को मिली कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने जिस हिसाब से और जिस पूर्ति के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए था, ये करना चाहते थे या करते हैं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या अभी भी इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो स्कोप है वो बना हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इट्स गुड, इट्स लुकिंग वेरी गुड। वी हैव टू बिकम स्मार्ट बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ मार्केट वेयर सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिस्क। तो फ्रेंड्स, कल का दिन बचा हुआ है, अभी भी हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, कल आराम से सोच समझ के हमें अप्लाई करना चाहिए, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे ये देख करके बहुत हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा कि सब्सक्रिप्शन जिसमें ज़्यादा होने की उम्मीद थी उसमें तो कम हुआ, और जिसमें कम होने की उम्मीद थी उसमें ज़्यादा हुआ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ में, और जो चीज़ मैंने आपको बताई प्लीज़ आप उसको कवर अप करें, जो चीज़ मैंने बताई उसको आप ध्यान में रखें और वॉच करते रहें। मैं वापस से दिन में एक वीडियो बनाऊंगा और वापस से अपडेट करूंगा आपको कुछ चीज़ों को लेकर के, ताकि आपको हेल्प हो सके इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।